गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन, दिस इज़ वरुणा शर्मा और अभी हम 10th क्लास में हैं। 10th क्लास का आज हम टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। कल हमारे वीडियो में हमने किया था फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, आज हम कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कराने हैं। तो देखिए, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वहाँ पर हमें चाहिए थे कुछ एक फैक्टर्स और रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल था वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो वाटर को तो प्लांट ऑलरेडी रूट से एब्जॉर्ब करेंगे। दूसरा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, और कार्बन डाई आज हम ये प्रूव करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। उसके साथ साथ जो फैक्टर्स हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है कि फोटोसिंथेसिस के लिए, एक तो है सनलाइट और दूसरा है क्लोरोफिल। तो आज के इस वीडियो में हम ये भी कवर करेंगे कि सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों के बिना भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकता है। तो हम देखते हैं वो एक्टिविटीज़ क्या हैं। देखिए, अभी हम ले रहे हैं एक्सपेरिमेंट टू शो दैट सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें प्रूव करेंगे हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कि सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। सेकंड एक्सपेरिमेंट में हम प्रूव करेंगे कि एक्सपेरिमेंट टू शो दैट क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कि क्लोरोफिल के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। थर्ड में हम ये डिस्कस करेंगे, प्रूव करेंगे कि एक्सपेरिमेंट टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के बिना भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है। इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कराने के लिए जो हमें मटेरियल रिक्वायर्ड है वो कॉमन मटेरियल रिक्वायर्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप देख रहे हैं पॉटेड प्लांट की ज़रूरत है, फिर हमें बीकर चाहिए, एक बड़ा बीकर और एक छोटा बीकर हमें चाहिए, हमें बर्नर की ज़रूरत पड़ेगी, ट्राइपॉड स्टैंड की ज़रूरत पड़ेगी, ये हमें पैट्री डिशेस चाहिए, पानी हमें चाहिए, अल्कोहल हमें चाहिए और आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, अब देखिए जब हम आगे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हम एक पॉटेड प्लांट लेंगे। पॉटेड प्लांट ऐसे कोई अलग से प्लांट नहीं, पॉटेड प्लांट का मतलब ये कि गमले में लगा हुआ जो प्लांट है दैट इज़ पॉटेड प्लांट। तो हमने पॉटेड प्लांट लेना है, उस पॉटेड प्लांट को हमने 3 डेज के लिए, ध्यान से सुने, 3 डेज के लिए हमने डार्क रूम में रख देना है। वहाँ कहीं पर भी कोई रोशनी नहीं होनी चाहिए, कोई बल्ब, कोई सनलाइट या कोई भी विंडो वगैरह, वहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, डार्क रूम होना चाहिए। अगर विंडो है भी तो उसको सबको कवर कर दें ताकि रोशनी बिल्कुल भी रूम में ना आए। डार्क रूम में रखने का पर्पस हमारा ये है कि प्लांट ने पहले से जितना भी फोटोसिंथेसिस किया है वो उसके थ्रू जो स्टार्च प्लांट के अंदर बना है वो सारा स्टार्च प्लांट कंज्यूम कर ले, और जितनी भी लीव्स हैं वो लीव्स सब कैसे हो जाएं, डी स्टार्च हो जाएं। डी मीन्स सारा स्टार्च कंज्यूम हो चुका है, अब कोई स्टार्च नहीं बचा प्लांट सेल्स के अंदर। फाइन, तो हमने प्लांट्स को क्या कर लिया है, 3 डेज के लिए डार्क में रखा और फिर हमने उसको डी स्टार्च कर दिया। अब डी स्टार्च करने के बाद हम उस प्लांट को अगेन जब हम रखेंगे सनलाइट में, उससे पहले हमने क्या करना है, प्लांट की जो लीफ है किसी भी एक लीफ के ऊपर ये हम जो है ब्लैक कलर की स्ट्रिप लगा देंगे। ये हमने सपोज़ ये प्लांट की लीफ है तो इसके ऊपर हमने ये ब्लैक कलर की स्ट्रिप लगा दी है। सपोज़ ये लीफ है तो ऊपर की सरफेस और नीचे यानी अपर और लोअर एपिडर्मिस पर हमने ब्लैक कलर की स्ट्रिप अच्छे से प्लग कर दी, या हम एल्यूमिनियम फॉइल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इस प्लांट को हम वापस धूप में रख देंगे, सनलाइट में रखेंगे। जब हम सनलाइट में रखेंगे, अब इसको सनलाइट भी मिल रही है प्लांट को, और गमले में पानी डाला हुआ है, वाटर भी मिल रहा है, सराउंडिंग से CO2 भी मिल रहा है, क्लोरोफिल लीफ के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा। जब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट कर देगा तो होगा क्या कि जो जहाँ पर ये जो ब्लैक स्ट्रिप लगी हुई है यहाँ पर तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि
यहाँ पर सनलाइट आ नहीं रही, जब सनलाइट नहीं आ रही है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, इसी को हमें प्रूव भी करना है। तो देखिए हम कैसे प्रूव करेंगे, जब हमने इसको 4-5 आवर्स के लिए सनलाइट में रख दिया, अच्छे से फोटोसिंथेसिस दोबारा से पूरे प्लांट लीव्स में हो गया है, अब हम ये जो ब्लैक स्ट्रिप लगाई थी इस लीफ को लेंगे, ब्लैक स्ट्रिप को हम अलग से हटा लेंगे, निकाल देंगे वहाँ से, एल्यूमिनियम फॉइल है तो उसको हम हटा देंगे, और हम एक छोटा बीकर लेंगे, इस छोटे बीकर में हमने अल्कोहल भर रखा है, ये देखिए अल्कोहल हमने डाला हुआ है, और हम इसके अंदर ये लीफ डाल देंगे, और फिर हम एक बड़ा बीकर लेंगे ये वाला, इस बड़े बीकर में हमने ये पानी भर दिया है, और पानी के बाद इस तरीके से छोटे बीकर को हम यहाँ पर लगाकर होल्डर से अच्छे से पकड़ लेंगे, इसको प्लकर से अच्छे से पकड़ लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ से बर्नर ऑन करके इसको गर्म करना शुरू करेंगे। देखिए हम डायरेक्ट स्पीकर को इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि हमने अल्कोहल में लीफ को डाला है, अल्कोहल ऑलरेडी जो है वो फ्लेमेबल होता है तो बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा, और जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो सकता है, तो उन सब बातों को हमने यहाँ पर नहीं करना, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, तो इसलिए प्रिकॉशनरी हम वाटर बाथ एक तरीके से लेंगे। तो वाटर बाथ किस तरीके से, बड़े बीकर में पानी लेके फिर वो जब गर्म होगा उसके साथ यहाँ पर अल्कोहल, छोटा बीकर हमने लगा दिया, अब अल्कोहल गर्म होना शुरू करेगा, अल्कोहल के साथ साथ जो ये ग्रीन लीव्स हैं, ये ग्रीन लीव्स अच्छे से जो है ये पूरी बॉयल हो जाएगी, बॉयल करना है इसको ताकि इसके अंदर जितना भी क्लोरोफिल है वो सारा रिमूव हो जाए लीफ से, जब सारा क्लोरोफिल रिमूव हो जाएगा तब ये जो लीफ है हल्के पीले रंग की हो जाती है। अब इस लाइट येलो ग्रीन जो लीफ हमें मिल जाएगी, बाद में हम इसमें से निकालेंगे लीफ को और यहाँ पर अगेन हॉट वाटर में इस डीकलराइज्ड लीफ को हम रख देंगे, किस लिए रख देंगे, ताकि क्लोरोफिल वैसे तो रिमूव वहाँ हो चुका है लेकिन थोड़ा बहुत अगर सरफेस पे चिपका हुआ भी है तो वो भी यहाँ से हट जाए, निकल जाए। बॉईल करने से एक और साथ साथ क्या है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है सेल्स की, वो सेल वॉल हो जाएगी डिस्ट्रॉय, और जब हम आगे स्टेन डालेंगे तो स्टेन को इजीली सेल्स एब्जॉर्ब कर सकेंगी, अदरवाइज प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल जो है वो रुकावट पैदा करेगी स्टेन को एब्जॉर्ब करने में, तो जब सेल वॉल ब्रेक हो जाएगी तो ईजिली स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेंगी लीफ सेल। तो यहाँ पर हमने लीफ ले ली, कौन सी लीफ ले ली, प्लांट की लीफ, वो डी स्टार्च हो गई। अब हमने जो है ब्लैक स्ट्रिप भी लगा दिया, अल्कोहल में हमने गर्म कर लिया, उसके बाद हमने यहाँ हॉट वाटर में डीकलराइज लीफ को दोबारा से यहाँ पर बाथ करा दिया, अच्छे से धो दिया। अब हम क्या करेंगे, इस लीफ के ऊपर ड्रॉपर से आप आयोडीन पैट्री डिश ले लें, लीफ को उसमें रख के और आप आयोडीन सॉल्यूशन डालें। जब आप आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो क्या होगा कि जहाँ पर, ध्यान से सुने आप मेरी बात, जहाँ पर हमने ये ब्लैक स्ट्रिप लगाई थी, ये ब्लैक स्ट्रिप वाला एरिया है, यहाँ पर कोई कलर लीफ पर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ स्टार्च फॉर्मेशन हुआ ही नहीं, और बाकी जो ये ग्रीन पार्ट था आगे वाला पीछे वाला, आयोडीन सॉल्यूशन डालते ही ये ब्लू ब्लैक कलर देना शुरू कर देगा, क्योंकि ब्लू ब्लैक कलर तभी आएगा जब यहाँ पर स्टार्च बना होगा, क्योंकि आयोडीन सॉल्यूशन ये जो है स्टार्च टेस्ट है कि अगर स्टार्च के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाला जाता है तो स्टार्च जो है ब्लू ब्लैक कलर दे देता है। अगर ब्लू ब्लैक कलर जितने पार्ट में आ जाएगा वहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुआ, स्टार्च बना, जहाँ पर ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया इसका मतलब वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ और वहाँ पर स्टार्च फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो आप देखिए इस पार्ट में कोई कलर अपीयर नहीं होगा जहाँ स्ट्रिप थी, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो यहाँ से प्रूव होता है कि एक्सपेरिमेंट के लिए यानी फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट ज़रूरी है। फाइन, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हमने क्लोरोफिल को प्रूव करना है, तो बिल्कुल सारा सेम उसी तरीके से प्रोसीजर होगा, बस जो पॉटेड प्लांट हमने लेना है, यहाँ पर हम पॉटेड प्लांट ऐसे प्लांट को लेंगे जिस पर जो है पैचेस होने चाहिए,
जैसे जो जैसे क्रोटन लीफ है, क्रोटन लीफ पर पैचेस होते हैं, तो हम क्रोटन लीफ लेंगे जिसमें क्लोरोफिल वाइट और ग्रीन, जैसे होते ना कई सारे प्लांट जिनमें सफ़ेद रंग भी होता है लीफ पे और ग्रीन कलर भी हो, तो उस टाइप का हमने प्लांट लेना है। तो इस टाइप से हमने ये क्रोटन लीफ, सपोज ये हमने क्रोटन लीफ वाला प्लांट ले लिया है, तो उसी तरीके से पॉटेड प्लांट को यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से पहले हम डार्क में रखेंगे 3 दिन के लिए, फिर उसके बाद हमने क्या करना है उसको दोबारा से हम रख देंगे कहाँ पर, धूप में। जब डी स्टार्च हो जाएगा प्लांट, डी स्टार्च होने के बाद हम एक लीफ लेंगे, उसको हम बॉईल करेंगे। इसी तरीके से सेम ऐसे ही हमने करना है कि अल्कोहल में हम बॉईल कराएंगे, अल्कोहल में बॉईल कराने के बाद फिर दोबारा हॉट वाटर बाथ कराएंगे, हॉट वाटर बाथ कराने के बाद हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से जब लास्ट में आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, तो जो ये देखिए हमने जो लीफ ली है, इस लीफ में ये जो बीच वाला पार्ट है ये पार्ट है ग्रीन पार्ट, और जो ये किनारे वाला पार्ट है ये है वाइट पार्ट। तो वाइट वाले पार्ट में क्लोरोफिल है नहीं, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है उसके लिए हमने क्या करना है, जब लास्ट में हम इस डीकलराइज्ड कर लिया लीफ, वो सारा प्रोसेस हमने एज सच पास कर दिया, अब लास्ट में जब हम यहाँ पर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, तो आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर यानी जब हमने यहाँ पर ये आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद ये वाला जो पार्ट होगा सेंट्रल पार्ट, यहाँ पर ये ब्लू ब्लैक कलर बनेगा, ब्लू ब्लैक कलर आएगा, इसका मतलब यहाँ इस रीजन में स्टार्च फॉर्मेशन हुआ है। और ये जो वाइट वाला रीजन था यहाँ ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा, इसका मतलब यहाँ जब क्लोरोफिल नहीं है, पहले से ही लीफ भी सफ़ेद थी, तो इसका मतलब यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो यहाँ प्रूफ हो जाता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल ज़रूरी है, नेसेसरी है। फाइन, सेम हमारी थर्ड एक्टिविटी है, यहाँ पर बस हमने प्लांट ऐसा लेना है जिसकी लीफ थोड़ी लंबी हो, क्योंकि हमने यहाँ पर ये एक जार लिया है, बेल जार, जिसको हमने यहाँ से ये कॉर्क के हेल्प से अच्छे से एयर टाइट कर देना है। तो यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से होगा, पहले हम एक पॉटेड प्लांट लेंगे, पॉटेड प्लांट को हम पहले 3 दिन के लिए कमरे में बंद कर देंगे, अंधेरे कमरे में, बिल्कुल फोटोसिंथेसिस ना हो। फिर हम 3 दिन बाद उस प्लांट को निकालेंगे, 4-5 घंटे के लिए हम फोटोसिंथेसिस करवाएंगे, फिर से यहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पर कि ये जो लीफ है इसमें हमें एक चीज़ की सावधानी रखनी है, और सावधानी हमें ये रखनी है कि जैसे ही हम यहाँ से डार्क से हमने निकाला, अब हम जब रखने जा रहे हैं धूप में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक लंबी लीफ जो प्लांट की थोड़ी बड़े साइज़ की लीफ है उसको एक इस तरीके से हमने ये जार लिया है, इस जार में हमने ऑलरेडी कॉर्क यहाँ पे लगा दिया, कॉर्क से एयर टाइट। अब इस तरीके से लीफ को बंद करना है कि आधी लीफ तो जार के अंदर चली जाए और आधी लीफ जार के बाहर आ जाए। जार के अंदर हमने KOH रखा हुआ है, KOH सॉल्यूशन रखा हुआ है। ये जो हमने KOH सॉल्यूशन रखा है, ये KOH सॉल्यूशन का काम होता है CO2 को एब्जॉर्ब करना। अब यहाँ पर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड, अगर जार के अंदर भी हवा है उसमें भी अगर CO2 है तो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगा अच्छे से। अब CO2 इस पार्ट को CO2 नहीं मिल पा रही है, और जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसको, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में है, ओपन एरिया में है, इसको CO2 इजीली अवेलेबल है। तो यहाँ तो फोटोसिंथेसिस रेगुलर होता रहेगा, लेकिन ये देखना है क्या इस पार्ट में भी फोटोसिंथेसिस हुआ है, क्योंकि यहाँ तो CO2 अवेलेबल नहीं है, जार के अंदर तो नो CO2, यहाँ CO2 है ही नहीं, मिल ही नहीं पा रही, जो थोड़ी बहुत थी भी वो KOH ने एब्जॉर्ब कर ली। अब हम क्या करेंगे, इस लीफ को जब ये प्रोसेस हमने कर दिया, 4-5 घंटे हम इस एपरेटस को रख के फिर फोटोसिंथेसिस करवाएंगे, इस एक्सपेरिमेंट में ये ध्यान रखना है हमने। अब इस लीफ को हमने लिया, इस लीफ से ही निकाल लिया, यहाँ से जार को अलग कर दिया, इस लीफ को सेम उसी तरीके से हमने अल्कोहल में बाथ करा लिया, फिर हॉट वाटर बाथ, ये हो गया पूरा। फिर उसके बाद हमने उसी तरीके से डीकलराइज लीफ को जो है, जैसे यहाँ पे हमने हॉट वाटर बाथ कराया था, सेम ऐसे ही हॉट वाटर बाथ करा लिया। अब इस लीफ के ऊपर हमने यहाँ पर क्या ऐड कर दिया, इसके ऊपर भी हमने आयोडीन सॉल्यूशन को डाल दिया।
जब हम इसमें अब आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, तो आयोडीन सॉल्यूशन डालते ही क्या होगा, जो ये ऊपर वाला जो हवा में था ये वाला पार्ट, ये तो ब्लू ब्लैक हो जाएगा, लेकिन जो ये आगे वाला पार्ट है इस पार्ट में कोई ब्लू ब्लैक कलर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट था, CO2 इजीली अवेलेबल थी। जब CO2 इजीली अवेलेबल थी तो फोटोसिंथेसिस हुआ, ब्लू ब्लैक कलर यहाँ पर आया, स्टार्च फॉर्मेशन हुआ, और इस पार्ट में कोई ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया, स्टार्च फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो हमें ये इस एक्टिविटी से प्रूव हो जाता है कि CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो आज की इस वीडियो में आई होप आप लोग समझ गए होंगे तीनों एक्टिविटीज़ को किस तरीके से परफॉर्म करना है, और ध्यान ये रखना है कि ये तीनों एक्टिविटीज़ एनसीईआरटी सिलेबस ने भी प्रिस्क्राइब की हुई है, और यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कई बार पहले पूछे गए हैं। तो आपने ध्यान रखना है इन एक्टिविटीज़ को, लगभग सब एक्टिविटीज़ प्रॉपर इसी तरीके से होंगी। फाइन, अगर किसी को कोई क्वेरी है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट।